हेलो गाइस, मैं खुशी रूप आपका स्वागत करती हूँ द न्यूज टॉक चैनल में। आज हम लोग आपके सामने एक ऐसे दुल्हे का मामला लेके आए हैं जिसने दहेज में बुलेट बाइक मांग ली और उसी के बदले उसको मिली सजा। चलिए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला, इसके ऊपर नजर डालते हैं। मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जैसे कि आप लोग को पता है कि दहेज लेना या देना ये कानूनी अपराध है, पर आज भी समाज में ऐसे लोभी है जो कि दहेज के चक्कर में काफी सारी जिंदगियां बर्बाद कर देते हैं। जैसे कि आज हमारे सामने उत्तर प्रदेश के सलीमपुर गाँव से एक मामला आया है, जहाँ पर एक लड़की की शादी जो है रायपुर में रहने वाले मोहम्मद के साथ तय की गई थी। सब चीजें धूमधाम से चल रही थी, सब बाराती आए थे और जब बारात लड़की के घर पे आई तब लड़की वालों ने उनका बहुत ही अच्छे से स्वागत किया। ये निकाह होने वाला था और जब स्टेज पे लड़का गया और उस दौरान ही निकाह की रस्में जो है वो पूरी हुई, पूरी होने के बाद लड़की ने वहां पर लड़की के पिता के सामने दहेज की एक और बड़ी डिमांड रख दी कि उसको दहेज में बाइक नहीं बुलेट बाइक चाहिए। वहां पर उसके पिता ने वो भी बात समझ ली कि ठीक है, अभी मैं बुलेट बाइक भी दे दूंगा, अभी मैंने बुकिंग करवा दिया है, पर थोड़े दिन के बाद ही वो बुलेट बाइक आएगी, और 2 लाख रुपए का चेक भी उनको दिया। वहां पर लड़का इतना भी नहीं माना और मानने के बाद उसके पिता के साथ और वो लड़का जो है वो काफी ज्यादा बदतमीजी करने लग गया कि उसको बाइक चाहिए, अभी की अभी चाहिए, तभी वो लड़की को अपने साथ अपने घर लेके जाएगा। बस इतनी ही देर थी कि वहां पर लड़की वालों को और पिता को और उसके घर वालों को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया और वहां पर बाइक तो नहीं मिला पर वहां पर लड़के को काफी ज्यादा जो है प्रॉब्लम झेलनी पड़ गई। वहां पर मारपीट हुई और वहां पर बंधक बना के रखा। आखिरकार पुलिस ने आके उनको छुड़वाया और छुड़वाने के साथ पुलिस स्टेशन लेके गए। बताया जा रहा है कि उन लड़के को और लड़के के पिता को और 7 लोगों को गिरफ्तार किया है और उसी के साथ साथ लड़की के परिवार के खिलाफ भी काफी सारी जो कि धाराएं लगाई गई हैं, क्योंकि लड़के को बंधक बना के रखा था। तो आई होप गाइस आप लोगों को जानकारी काफी ज्यादा अपडेटेड लगी होगी। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।